नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. सिंस जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी आर जेड प्लस जेड बार इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ जेड. रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स ए. ए इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ओके, तो रियल पार्ट ऑफ जेड ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी. ऐड करोगे जेड प्लस जेड बार तो ट्वाइस ए आएगा. ठीक है, तो ट्वाइस, और ए को किससे रिप्रेजेंट किया है, रियल पार्ट ऑफ जेड से. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों को, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा और ये ट्वाइस आयोटा, और बी को किससे रिप्रेजेंट किया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से. तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो लर्न होनी चाहिए, इनका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है. प्रूफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली वी लर्न द सम आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज आर यूज इन डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस. जेड बार का होल बार इक्वल टू जेड. जेड बार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जेड ये है तो इसका कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट जेड बार का होल बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट लोगे वापस, देन ए प्लस आयोटा भी, तो ए प्लस आयोटा भी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल. तो जेड बार का होल बार किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा. जेड वन प्लस माइनस जेड टू होल बार इक्वल टू जेड वन बार प्लस माइनस जेड टू बार. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी, जेड वन इंटू जेड टू बार इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार. इसी तरह से जेड वन अपॉन जेड टू बार इक्वल टू जेड वन बार अपॉन जेड टू बार. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो लर्न होनी चाहिए. मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार. ठीक है, ये मोडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन मोड ऑफ जेड इक्वल टू आप लोगों को बताया था अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसी तरह से मोड ऑफ जेड बार, इसके मोड की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका मोड लोगे, देन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशियंट माइनस बी, माइनस बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर. तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मोड ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू. सिक्स सेवेंथ और ये हो गई एट्थ प्रॉपर्टी. ये इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज हैं यहाँ पर. मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू. काफ़ी यूज भी आती है ये. मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू. इसी तरह से मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन, और यहाँ साइन आएगा माइनस जेड टू. ठीक है, तो ये टर्म लेस देन इक्वल टू होगी इससे, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगी इस वाले टर्म से, मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. तो ये लर्न होनी चाहिए अपने को. इसी तरह से ये तो प्लस के लिए है, और मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू, एंड मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू. ठीक है, अपोजिट है इसमें दोनों में,
इसमें ये प्लस साइन है तो लेस देन इक्वल टू आएगा, माइनस साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। इसमें प्लस साइन है तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया, और ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। किसका चेंज किस में है? साइन प्लस और माइनस में है चेंज। ये इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटीज हैं, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट की बात हो रही है मीन्स जेड बार, इसको किस तरह से रीड करोगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए कोमा माइनस बी, ए रियल नंबर हो गया और आयोटा का कोफिशियंट क्या है? माइनस बी, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी को ए कोमा बी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मॉडुलस ऑफ जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये दोनों चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए साथ में। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये इजीली बता सकते हो कि कैसे फाइंड आउट हुआ है। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और एक्स प्लस आयोटा वाई, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, जनरल फॉर्म है ये अपना। तो यहाँ पर इफ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, इस फॉर्म में ले रहे हो तो x इक्वल टू आर कोस थीटा होगा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। a प्लस आयोटा b फॉर्म में ले रहे हो तो a इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। a और b हो जाएगा यहाँ चेंज, x और y हो गया ये, ठीक है। डिवाइड कर दो दोनों को, राइट हैंड साइड को डिवाइड करोगे, r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। हेयर थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड भी, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। दोनों चीज एक ही है, ये आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। सो थीटा इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मॉड ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। तो इन सभी की कॉन्क्लूजन के बेस पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर मे बी डिफाइन एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एंड डिनोटेड बाई द सिंबल एक्स कोमा वाई। इफ वी राइट जेड इक्वल टू एक्स कोमा वाई और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो एक्स कोमा वाई या एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड को यदि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें देन एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। यहाँ पर सिंपल कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में डिफाइन होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिफाइन है एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। जैसे जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो इस केस में ये रियल नंबर हो गए दोनों, एक्स इज रियल और वाई इज रियल। और यदि इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इफ जेड इक्वल टू एक्स कोमा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई, देन एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है सभी को?
तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो इस फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ जेड अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आर रिप्रेजेंटेड बाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछे तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी जो है और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ सभी को लर्न होना चाहिए।